नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल निशा कंप्यूटर में। तो ये एक कैनन 2900 प्रिंटर का सप्लाई है, ठीक है। मेरे सामने ही ओपन करके दिया था, मतलब जिनका प्रिंटर है। तो इसमें देखेंगे प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने नो पावर बताया, ठीक है। शायद ब्लास्ट हुआ है, आइए देखते हैं। इसमें कैसा होता है बहुत बार कि एक मिनट, अगर आपका मॉस्फेट गया है तो बाजू में रजिस्टर भी गया ही होगा, ये 100% रहता है। क्योंकि इस टाइप के जितने भी प्रिंटर आते हैं, प्रिंटर के पावर सप्लाई आते हैं, चाहे वो कैनन का हो, एचपी का हो, मतलब जितने भी लेज़र के प्रिंटर आते हैं उनमें ऐसा सेम रहता है, ठीक है। उनमें अगर आपका मॉस्फेट गया तो बाजू के एक रजिस्टर जाते ही, और इसमें ये रजिस्टर 101% जाता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू कम होती है, बहुत कम उसकी होती है। तो सबसे पहले तो हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, इसके फ्यूज से। फ्यूज जिंदा है, अच्छी बात है। उसके बाद हम यहाँ से यहाँ तक आ जाएंगे, तो ये सब मोस्टली ख़राब नहीं होती। ये इसका एक एनटीसी है, तो इसे एक बार चेक करेंगे, ये भी ख़राब नहीं होता, ठीक है, सही रहता है मोस्टली। और एक बार ब्रिज डायोड को चेक करेंगे, क्योंकि ये उड़ने का चांस रहता है। सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो उसके बाद अभी इसको तो हम फाइनल में चेक करेंगे, नहीं तो चलो एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे भी। तो देखिए ये शॉर्टिंग दिखा रहा है, ठीक है, शॉर्टिंग दिखा रहा है, मतलब इसे ओपन करके देखना ही होगा। इसके बाद है सेकेंडरी को एक बार चेक करेंगे, ये मॉस्फेट रहता है यहाँ पे, एन चैनल का मॉस्फेट लगता है वो, जो कि कुछ 13 वॉट के आसपास तक होता है, ठीक है, सही है। ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर, ये कॉइल है, ये भी कॉइल होगा, ठीक है, ये भी कॉइल है, ये एक दो कॉइल है और ये कैपेसिटर। तो अगर मैं नज़दीक से दिखाऊं तो ये देखिए हल्का सा रजिस्टर भी यहाँ पे बर्न दिख रहा है। मुझे इन सब पे डाउट रहता है 100%, क्योंकि ये जाते ही हैं, ठीक है, मतलब इस तरीके के जो भी सप्लाई आते हैं तो उनमें ये जाने का चांस रहता ही है। तो इसे मैं इस तरीके से फोल्ड कर लेता हूँ, ठीक है। इसे निकाल के एक बार चेक करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो इससे तो नहीं हो पा रहा है बराबर से,
ठीक है, तो ये निकल गया। और यहाँ पे भी देख सकते हो लिक्विड स्पिरिट हुआ है, तो सबसे पहले इसे क्लीन करना होगा मुझे, जो कि काफ़ी गंदा दिख रहा है। मतलब मुझे कटर लेना होगा। इसका नंबर है K2769। सॉरी गाइस, कुछ नमूने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ भाई। ठीक है, तो अभी एक बार इसे चेक कर लेंगे कि उड़ा है या सही है। अगर सही रहा तो अच्छी बात है, अदरवाइज मुश्किल ही है थोड़ा। तो ये उड़ा ही है भाई, तो ये चेंज करना ही होगा मुझे। ठीक है, तो देख सकते हो इनका जय सिया राम हो गया। तो इसे तो हम चेंज करेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रजिस्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये भी ख़राब होता ही है। ठीक है, तो इससे मैं निकाल दूँ। इस यहाँ पे आप कम ओम्स का रजिस्टर डाल सकते हो, 20 या 22 ओम्स के आसपास का रजिस्टर। मोस्टली लोग जंपर मार देते हैं, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि आप जंपर मारने के बजाय अगर कम ओम्स का रजिस्टर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब अच्छा रहता है, थोड़ा वर्क प्रॉपर करता है। ठीक है, अदरवाइज रह रहे कुछ ना कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आता है तो पता नहीं चलता उसमें। ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये पूरा बर्न हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, बर्न हो गया है। यहाँ पे भी थोड़ा सा निशान दिख रहा है, हल्का सा बर्न टाइप। ठीक है, तो इसे फिलहाल हम साइड में करेंगे और एक देखेंगे एक मॉस्फेट K2769 का, या एन चैनल का कोई मॉस्फेट है कि नहीं, उसे हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने एक मॉस्फेट निकाला है, तो ये है K2764AI और यहाँ पे है K2769। ठीक है, तो ये यहाँ पे चल जाएगा। एन चैनल का इनहेंस मॉस्फेट है और ये मुझे सेम वैल्यू की रजिस्टर मिल गई, क्योंकि 22 ओम्स का है। तो 0.5। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे और चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं रजिस्टर को लगा दूंगा यहाँ पे। हालांकि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंस्टॉल करूँगा इस तरीके से। ओके, एंड शोल्डरिंग कर देंगे।
और थोड़ा सा कट करेंगे क्योंकि इसकी लीड कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है। ठीक है, तो और अब हम इस मॉस्फेट को लगा देंगे यहाँ पे। इसे लगाने के पहले आपको थोड़ा सा हीट सिंक का इस्तेमाल करना होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं इस तरीके का एक ले रहा हूँ। ठीक है, सब वही होगा। ठीक है, इसके बाद है इसे इंस्टॉल कर देंगे। इसे ज़्यादा टाइट नहीं रखना होता, ठीक है, हल्का सा नॉर्मल रखना होता है ताकि वो फोल्ड हो सके उतना। इसके बाद है ठीक है, फिर शोल्डरिंग कर देंगे इसे। और अब एक बार इसकी वैल्यू को चेक करेंगे। अगली बार मैंने कुछ चेक किया था तो यहाँ पे आसपास में कोई कम ओम्स का रजिस्टर उड़ गया था जिसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत तगड़ा आया था। ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ पे हमको इसकी वैल्यू चेक करनी होती है। चलिए, अब मल्टीमीटर को DC 200 पे सेट कर देंगे और गिरती पुड़ती चीज़ को हटाएंगे पहले। चलिए एक बार चेक करें। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू को कुछ चेक करेंगे पहले। तो आ रहा है, ठीक है, जितनी वैल्यू चाहिए इसकी वो आ रही है पूरी। मेरा हाथ हिल रहा है इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो देख सकते हो 24। ठीक है, वापस अभी यहाँ पे करता हूँ मैं, 24 वोल्ट पूरा आ रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें प्रॉब्लम इसका मॉस्फेट था जो कि उड़ गया था, ठीक है, और इसकी रजिस्टर की वैल्यू थी जो कि चेंज की हमने। तो इस वीडियो में फिर इतना ही, उम्मीद है वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।